जातीय जनगणना को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जाति गणगणना, भाई हम तो इसके फेवर में हैं, हमारी पार्टी भी इस फेवर में है, अखिलेश यादव जी का बयान आ गया है, तो जाति गणना होनी भी चाहिए। कि चूंकि इसमें ये पता नहीं चल रहा है इन हालात में कि भाई जो जितने भी कमज़ोर दबे कुचले लोग हैं उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो दबे जब ये जनगणना से पिक्चर साफ हो जाएगी कि किसका कितना वोट है, किस पोजीशन में है, तो इससे लक्ष्य फायदा पहुंचेगा ओबीसी के लोगों को और मुसलमानों को भी और लोगों को भी और उसमें क्या नाम है यादवों को भी और छोटी बरादरी के जो भी लोग हैं उनको इससे फायदा पहुंचेगा। हम चाहते हैं कि जनगणना हो और इसके साथ ये फिर इलेक्शन आ ही जाएंगे तो इस बुनियाद पर इलेक्शन होता है, तो इससे मतलब ये कि अपोजिशन जो संगठन है उसको बहुत फायदा पहुंचाएगा। कांग्रेस नेता हैं सुरजेवाला, वो कहते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी हारेगी, और ये अब शिवपाल जी जो है थक चुके हैं, अब वहाँ की जनता दूसरी सरकार बनाना चाहती है। हाँ नहीं यार, हमें तो पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में जीत कांग्रेस की होगी और अपोजिशन ही जीतेगा उसमें, और हालात रोज बरोज बेहतर होते चले जा रहे हैं और जिससे बीजेपी के हलकों में घबराहट है, बहुत परेशानी है, तो ये ऐसा नहीं हो कि कहीं इलेक्शन पे मैदान न छोड़ दें। मैं कर लेता हूँ। ओवैसी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हमने राजस्थान में 3 प्रत्याशी उतार दिए हैं, अन्य राज्यों में उतारेंगे, तेलंगाना में उतारेंगे, तो क्या कहना चाहते हैं पार्टी को इसमें? उनकी इस पॉलिसी से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ और मैंने पहले भी बड़े अदब से गुजारिश की थी कि वो इस वक्त जो मुकाबले का मामला है, मतलब ये बीजेपी से, वो संगठन ही मुकाबला कर सकता है, उनको हरा सकता है, और सारी पार्टियां करीब करीब सामने आ गई हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां तो सब एक जगह हो ही गई, तो अलहदा अगर हम महज बनाकर अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो इससे संगठन को नुकसान पहुंचेगा। लगातार देखा जा रहा है कि वो अपने अलग ही बयानबाजी कर रहे हैं और गठबंधन से दूर रहकर। हाँ तो अब पता नहीं उनका मकसद क्या है, वो जाने, लेकिन जहाँ तक सारे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का ताल्लुक है और अपोजिशन का ताल्लुक है, अपोजिशन इस बात से उनके मुतमईन नहीं है। सारा देखने के लिए मिल रहा है, पोस्टर जारी किए जा रहे हैं एक दूसरे की पार्टियों पर, क्या मानते हैं? किसी को रावण दिखाया जा रहा है, पोस्टरबाजी से वो इलेक्शन इसके ऊपर नीम थोड़ी रखी है इलेक्शन के पोस्टर में, अगर कोई चीज़ गलत सलग बयान कर दी जाए तो ये तो बहरहाल वक्ती तौर पर होता है, लेकिन इसका असरात ज़्यादा पड़ेंगे नहीं, चूँकि एक दूसरे के खिलाफ ये बयानबाजी होगी तो इससे नतीजा क्या होगा? नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला, अच्छा नहीं है इससे। के विधायक हैं पश्चिमी बंगाल में, उनके घर पे सीबीआई ने छापेमारी की है, क्या कहना चाहते हैं इस सब को लेकर? भाई चाहे वो आप किसी भी पार्टी का हो, अपोजिशन का हो, पोजिशन का हो, अगर किसी ने जुर्म किया है, किसी के खिलाफ इस किस्म की शिकायत है, तो ये तो अच्छी बात है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। विपक्ष लगातार हमला करता है कि सीबीआई केवल इस्तेमाल की जा रही है दूसरों के लिए, तो आज तो बीजेपी के विधायक के घर पर छापेमारी हुई है। अब उनकी कोई मसलहत हो सकती है इसमें? कोई उनकी इसके पीछे कोई राज है, कोई मसलहत है कि ये शो करके अपोजिशन को डराना चाहते हैं? भी कर रही है और पार्टियां भी कर रही हैं, और अब जब से अपोजिशन इकट्ठा हुआ है उस वक्त से इन हलकों में घबराहट पैदा हो गई है और ये चौकन्ने हो गए हैं। तो क्या मायने मानते हैं इसके, गिरिराज सिंह के बयान को लेकर? अरे गिरिराज सिंह का बयान, वो तो अपना भाई समाजवादी पार्टी के आदमी हैं। नहीं, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री जो हैं, हाँ वो तो केंद्रीय मंत्री हैं वो,
तो इस हालत में उनका ये बयान देना वो तो अपनी पार्टी के हक में बोलेंगे और इससे बहरहाल अपोजिशन के पर एक चोट है ये जी, और अपोजिशन को हरस करना चाहते हो। ये जो आप बात कह रहे हैं ये बहकाने वाला बयान है, यानी बहका रहे हैं वो अपोजिशन पर ये असर डालने के लिए कि वो उनका कोई रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि उनकी गवर्नमेंट बन सके। और इस वक्त हिंदुस्तान का आलम यह है कि हिंदुस्तान हालात बदलना चाहता है। हिंदुस्तान की पोजीशन ये है कि जितनी भी छोटी बड़ी पार्टियां हैं जो अपोजिशन में खड़ी हैं वो हालात बदलने की फिक्र में है और उसी के लिए उन्होंने संगठन बनाया है ताकि हम हालात बदलने के बाद में जो छोटे लोगों के साथ, ओबीसी के साथ, मुसलमानों के साथ या दूसरी कमजोर तबके के सारे लोगों के साथ जो इस गवर्नमेंट में जो नाजायज सलूक हुआ है, जो जुल्म और ज़ाती हुई है, उसको ख़त्म करने के लिए और देश की तरक्की का तभी हो सकती है जब दिलों को जोड़ा जाएगा। इन्होंने दिलों को तोड़ने की बात की है, जोड़ने की बात नहीं करी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस मुल्क का निज़ाम बदले, हालात बदले, नई गवर्नमेंट आएगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि इससे छोटे तबके के लोगों को, कमज़ोर लोगों को बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, इंसाफ मिलेगा।